हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देवश्री। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताओ, अगर डांसिंग वीडियो मैं आपसे शेयर करूँ और उसमें गाने में कॉपीराइट चला है तो मैं क्या करूँ? तो मुझे म्यूट करना पड़ रहा, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा बिना गानों के ऐसे डांस। खैर, कॉपीराइट आ रहा था। ये गणपति विसर्जन के दिन हम सारे जो सोसाइटी के औरतें हैं डांस परफॉर्मेंस किए थे, और इसके लिए हम लेजिम लेकर 3-4 दिन प्रैक्टिस किए थे, रिहर्सल किए थे बकायदा हम लोगों ने मिलके। तो लेजिम डांस हम कर रहे हैं। गजानना 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 गजानना, इसी सॉन्ग पे था ये डांस। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि गणपति पूजा में, गणपति उत्सव में मैं मुंबई में हूँ और मुझे मौका मिला ऐसे, जो मराठियों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है गणेश चतुर्थी, उसी में भाग लेना, इस डांस में भाग लेना, तो मेरे लिए वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपसे शेयर भी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, बिल्कुल मत भूलना। गणपति विसर्जन के ऊपर मेरी नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, उसको मिस मत करना। आप देख सकते हो, इसी डांस पर परफॉर्म करने के लिए मैंने बाकियों की तरह नवारी साड़ी, जो मराठी औरतें पहनती है किसी भी त्यौहार पे, सेलिब्रेशन पे, वो पहनी है। गणपति विसर्जन के दिन यही खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ किया था मेरे छोटे छोटे कुछ बहनों ने, जो बहुत टैलेंटेड है, जो बस कुछ ही दिनों में हम जैसे नॉन डांसर हाउसवाइफ्स को ये डांस करवाया स्टेज में। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं टेंशन में थी, नर्वस भी थी, बट अच्छा लगा बहुत करके।